अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अर्बन टिप्स एंड ट्रिक्स दैट मेड लाइफ इजी। इसमें आज हम आपको बीफ कोफ्ते वो बनाना सिखा रहे हैं। तो उसके लिए जो अज्जा हमें चाहिए होंगे, सबसे पहले मैंने 1 kg के करीब मैंने बीफ लिया है। इसका एक बड़ा सा पीस था, उसको मैंने अच्छे से उस पर से चर्बी वगैरह साफ़ की, उसको मैंने धोया, धो के फिर मशीन में निकाल के उसका कीमा किया और इसमें से इसको हमने मशीन में से 2 times जो है ना वो निकाला है। अच्छा, वो निकालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर से सारा इसका जो पानी था वो अच्छे से निचोड़ के रिमूव कर दिया। देखिए अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई है। इसमें से मैंने सारा पानी निकाल दिया और जो है, और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। मैंने प्याज लिए, उसको चॉप करके इसका भी मैंने सारा पानी अच्छे से खुश कर दिया। देखिए बिल्कुल ड्राई है इस वक्त। अब इसकी में मैं ये प्याज डालूंगी चॉप की हुई, और मैंने इसके लिए लिए हैं हरी मिर्चें 3 से 4, उनको भी मैंने चॉप किया हुआ है, और धनिया मैं सबसे आखिर में शामिल करूंगी। और अब इधर मेरे पास हैं सूखे मसाले, उसमें मैंने लिया है नमक, नमक और मिर्च, ये आपने बिल्कुल अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जाएगा गर्म मसाला पाउडर जाएगा, सूखा धनिया जाएगा, पिसी हुई हल्दी है, और अदरक और लहसुन का पेस्ट, वो मैं इसमें, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छा, इन तमाम अज्जा को मैं अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ हाथ की मदद से। ये मैंने इसको नमक मिर्च, मैंने इसको सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये अब सारा मिक्स हो गया। अच्छा, ये है चना पाउडर, ये भुने हुए चने, उनको मैंने पहले उनके छिलके साफ किए और फिर मैंने इनको जो है ग्राइंडर में पीस लिया। तो ये मैं तकरीबन थोड़ा सा ही डालूंगी क्योंकि हमारा जो कीमा है वो ऑलरेडी काफ़ी मैंने ड्राई किया हुआ है। अब मैं इसमें जो धनिया है वो भी डाल देती हूँ और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके मैं इसकी जो छोटी छोटी सी बॉल्स हैं वो बनाने लगी हूँ, मतलब कोफ्ते, वो फिर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अगर तो आपने फौरी तौर पे पकाना है तो उसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आप इनको फौरी तौर पे कैसे मसाले में बनाकर बनाएंगे, और अगर आपने इनको जो है फ्रीज करना है तो उसके लिए फिर मैं आपको एक मेथड और बताती हूँ कि कैसे हम स्ट्रेनर रख कर उसमें जो कोफ्ते हमने फ्रीज करने हैं उसमें लगाकर हम उनको थोड़ी देर के लिए स्टीम देंगे और फिर हम फ्रीज़ कर देंगे, और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम जो है ना उसको निकाल कर ईजिली मसाले में भून कर और बना सकते हैं। ये कोफ्ते मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब इसमें से जो है हाफ़ मैं आपको फ्रीज़ करने के लिए बनाकर दिखाऊंगी और हाफ़ का मैं आपको सालन बनाकर दिखाऊंगी। तो फ्रीज़ करने के लिए जो हमने बनाने हैं उसके लिए मैंने ये किया हुआ है कि सबसे पहले मैंने एक स्टील का बर्तन लेकर उस पर पानी रखा हुआ बॉयल होने के लिए, तो इनको स्टीम देंगे। तो आइए फिर मैं आपको दिखाती हूँ हम स्टीम कैसे देंगे। अच्छा, मैं अब कोफ्तों को स्टीम देने लगी हूँ। तो स्टीम देने के लिए मैंने बर्तन में पानी गर्म कर लिया और अब इसके ऊपर मैं स्ट्रेनर रखने लगी हूँ। स्ट्रेनर रख के मैं इसके अंदर जो है कोफ्ते वो लगा रही हूँ। जितने मैंने फ्रीज करने हैं वो इसमें मैं स्ट्रेनर में लगा दूंगी और जितने मैंने बनाने वो मैं इसमें से बचा लूंगी।
इस तरीके से अगर आप कोफ्ते बनाकर फ्रीज करेंगे तो ये आपके 6 माह भी ख़राब नहीं होंगे, 6 माह क्या आप साल भी इनको यूज़ करेंगे तो इनके टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा ज़रा सा भी। वैसे आप बना के रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। और अब ये जो ढक्कन है इससे मैं कवर करके इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट स्टीम दूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ स्टीम के बाद। हमें कोफ्तों को स्टीम देते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए। अब इसको हम चेक करते हैं, देखिए ये बिल्कुल रेडी हैं, फ्रीज़ होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो इनको मैं यहाँ से निकालने लगी हूँ और फिर मैं आपको इनको ठंडा करके फिर दिखाती हूँ। जो फ्रीज़ करने वाले कोफ्ते थे वो मैंने निकाल लिए और वो अब ठंडे होने के लिए रख दिए। तो और मैंने जो जिनका सालन बनाना था वो चूल्हे पर जो है ना फ्लेम ऑन करके रख दिए। उसमें मैंने चॉप की हुई प्याज जो है वो 2 मीडियम साइज़ की वो यूज़ की हैं। और अब मैं इसमें तकरीबन 4 चम्मच के करीब ऑयल डाल के और मैं इसको प्याज को फ्राई कर लूँगी। इसका फिर हम मसाला बनाते हैं। इसको मैं ब्राउन करूंगी, थोड़ा सा ब्राउन करके फिर मैं इसमें आपके सामने ही बाकी मसाले फिर मैं डाल के बना के दिखाती हूँ आपको। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है वो कोफ्ते बनाते हैं तो उनके जो कोफ्ते हैं वो टूट जाते हैं। तो उसके टूटने की जो रीज़न मेन तो वैसे यही होती है कि आपका जो गोश्त है या कीमा है वो अच्छे तरीके से बारीक पिसा हुआ नहीं है। कीमे का बारीक पिसा होना बहुत ज़रूरी है, कीमे का पिसा होना बारीक बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आप जो इसमें अज्जा शामिल कर रहे हैं प्याज, तो इसका तो सबसे पहले खुश्क होना ज़रूरी है और ये भी बारीक बारीक चॉप की हुई हो। मोटी मोटी डालेंगे वो उसकी वजह से आपके जो कोफ्ते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। ये प्याज देखें ये ब्राउन हो चुकी है। इसमें मैंने टमाटर लिए, वो भी मैं इसी में डाल के फ्राई कर लूँगी ज़रा। फ्राई इसलिए कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से इसमें घुल जाए। अच्छा ये टमाटर भी जो है ना इसके अंदर फ्राई हो गया प्याज के साथ। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके और बाकी मसाले डालूंगी। पानी में इसलिए ऐड कर रही हूँ इसमें अभी ताकि मैं इसमें बाकी मसाले डालूं तो हमारा ये मसाला न जल जाए। इसमें मैं तकरीबन 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। और इसमें जाएंगी सूखी मिर्च, वो आप टेस्ट के हिसाब से डालेंगे जैसी आपको पसंद है। इसमें जाएगा हल्दी पाउडर जाएगा, वो भी मैंने 1/2 टीस्पून के करीब डाला है। और इसमें जाएगा धनिया पाउडर, और इसमें मैं नमक डालूंगी। नमक आप टेस्ट के हिसाब से ही डालेंगे। और मैं इसमें थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच के करीब दही भी शामिल करूंगी। दही और टमाटर दोनों का बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसको मसाले को मैं अच्छे तरीके से भून के
फिर इसके अंदर मैं कोफ्ते डाल के उनको दम लगाऊंगी 5 से 10 मिनट के लिए। मसाला तकरीबन तकरीबन रेडी हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करके और जो है मैं इसमें अब कोफ्ते डाल दूंगी। गरम मसाला मैंने आपको हमेशा कहा है कि एंड में डाला करें, क्योंकि पकाने से फिर इसकी खुशबू जो है ना वो सारी वेस्ट हो जाती है। बस अब इसमें मैं कोफ्ते जो मैंने बना के रखे हुए वो मैं इसमें लगा दूंगी। ये मैंने लगा दिया, अब इसको मैं लाइट फ्लेम पर जो है कवर करूंगी ताकि ये अपना पानी भी छोड़ दे और उसी में गल भी जाए। ये देखिए कोफ्ते जो है, स्टार्ट में तो मैंने एक दो दफ़ा इनको बर्तन उठाकर उससे ही लाया था और अब जो है ना मैं इसमें स्पून का यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल ज़बरदस्त बने और मसाला वगैरह भी भुन गया और बड़ी ज़बरदस्त सी भीनी भीनी खुशबू आ रही है इनकी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, पानी में उतना डालूँगी जितनी मुझे इसमें ग्रेवी चाहिए। इतनी ग्रेवी मुझे चाहिए होगी, इसमें मैं थोड़ा सा और पानी एक्स्ट्रा डालूंगी ताकि इसमें पक के इतनी रह जाए। और मैं अब इसको कवर कर दूंगी थोड़ी देर के लिए और फ्लेम भी थोड़ा मीडियम रखूंगी। कोफ्ते रेडी हो गए, अब इसमें मैं थोड़ा सा बस सब्ज़ धनिया डाल के इनको मैं डिश आउट करूंगी। और फिर मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये जी हमारी बीफ कोफ्ता बिल्कुल रेडी है और बहुत ज़बरदस्त और यम्मी बना है आपके सामने। देखे ना ये टूटा है और बिल्कुल बेहतरीन रेडी हुआ है। और ये जो है ये आपको मैंने फ्रीज करने के लिए कोफ्ते बना के दिखाए हैं। इनको अब आप जो है ना किसी एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आप बनाना चाहें मसाला भूने और उसमें डालें, आपको बाकी जो है मटेरियल है कोफ्तों का वो रेडी नहीं करना पड़ेगा। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको मेरी ये दोनों रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। तो मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।